जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जब भी हम हेलमेट पहनते हैं बालों का ये हालत हो ही जाता है। मैं यहाँ जो रुका हूँ, मैं सिर्फ बालों के बताने के लिए नहीं रुका। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ा सा टोल प्लाजा है और ये जो साइड है दिल्ली से आते, ये साइड पूरे थोड़ा सा ऊपर जगह, ये साइड पूरे दिल्ली की साइड, दिल्ली से आता रास्ता और ये दिल्ली को वापस आता है। पर अभी ये क्या कर रखा है, शायद कांवर की वजह से हो रखा है, कांवरियों की वजह से कर रखा है, पता नहीं क्यों कर रखा है। ये रास्ता मैंने पहली बार देखा बंद हुए होते, बंद हो रखा है, दिल्ली से आने वाला साइड से रास्ता बंद हो रखा है। और मैंने दूसरी बार देखा था जब तो ये रास्ता मैं क्या, हाँ ये रास्ता बंद कर रखा है, पता नहीं दिल्ली से जब एंट्री करते तभी बंद कर रखा है, पता नहीं क्यों, शायद उसी की वजह से कर रखा है कि कांवरियों की वजह से, क्योंकि यहाँ से आना जाना ट्रक व्रक किसी को आने नहीं दे रहे, सबको बंद कर रखा है, कोई नहीं आ सकता। बाइक वाले बस हम भी आ गए, मैं भी अभी बस तुक्के मार मार के यहाँ आ गया, नहीं तो मैं भी पता नहीं कहाँ भटक रहा होता। ये लोग भी जो आ रहे हैं ये भी तुक्के मार मार के आ रहे हैं, सिर्फ इस साइड से अभी जो फिलहाल बाइक आ रही है और कुछ नहीं आ रहा, उसके अलावा बाइक में कुछ आ ही नहीं सकती यार, पूरे इतने बड़ा बड़ा पत्थर, मतलब जो होता है ना बैरिकेड जो सीमेंट के बने होते, जो भाव बहुत भारी होते, वो लगा रखा है यहाँ पे इस साइड बहुत दूर जहाँ दिल्ली से एंट्री करते हैं, इसीलिए इस साइड कोई आ ही नहीं सकता। और उस साइड देखो तो भाई पूरे एकदम हुजूम के साथ, पूरे भाई बिल्कुल भोले बाबा के मस्ती में, जो भी इतने सारे जो हरिद्वार से वापसी दिल्ली के अंदर जा रहे भाई, लाखों की संख्या में, भाई लाखों की संख्या में बहुत सारे बंदे, ट्रकें कार बाइकें पैदल का भाई बहुत सारे कावड़ी जा रहे हैं, मतलब देख के एकदम मज़ा आ रहा है। और जहाँ मैं अभी रुका हुआ हूँ आप देख लो, ये बहुत ही बड़ा टोल प्लाजा है, मेरठ से एंट्री करते ही ये हमारा टोल प्लाजा आ जाता है। और देख लो पीछे, हमारे पीछे देख लो यार, अब डीजे मतलब ट्रक के ऊपर डीजे जो लगा रखा था भाई, बहुत को देख के और उसके साउंड सुनते में मज़ा ही आ जाता है, इतने सारे डीजे लगा रखा है ट्रकों पे। और ये हमारा बहुत सा बड़ा टोल प्लाजा, इससे क्रॉस करते हैं 2 मिनट बाद फिर मेरठ का जो हाईवे है ना, मेन हाईवे आ जाएगा, जो हम सीधे ऋषिकेश और हरिद्वार की साइड आते हैं वो वाला मेन हाईवे आ जाएगा। और हम बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 70 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी यहाँ पर। बस एक आध बाइक वाइक तुम्हें दिख जाएगी, और ये दिल्ली की जाने का रास्ता, दोनों रास्ते से भी बस दिल्ली जा रहे वापस। देख रहे हो ट्रकों में बढ़ बढ़ के भाई, बाइकों में ये टेम्पू को भी नहीं छोड़ा भाई, स्कूटी बाइक और आगे दबा सिस्टम भाई का जबरदस्त सिस्टम लगा रखा। और कांवड़ भाई, इनका कांवड़ ना बहुत बड़ा कांवड़ है, इसमें 2-3 बंदे मिल के उठाते हैं तब जाके वो कांवड़ उठता है, थोड़ा सा आगे ले जाते भाई। अभी देखो ये भी आ गया, एक तो आगे चला है वो, देखो एक तो ये आगे गया ये भी है, और भाई पीछे इन म्यूजिक सिस्टमों को चलाने के लिए ना भाई पीछे तक जनरेटर लगा रखा है, पूरा जनरेटर डाल के, वो भी इतने छोटे मोटे जनरेटर है भाई, बड़ा बड़ा जनरेटर लगा हुआ है जिसकी वजह से म्यूजिक सिस्टम चल रहे हैं। और देखो अभी 2 और आगे आगे अभी पास आ रहे हैं, तो फिर दिखाता हूँ। Thank you.
तो गाइस देखा यार आपने उधर कितना जाम लगा हुआ था, इतने सारे शिव भक्त है जो रोडों पर दोनों साइड से ना भाई पूरे मतलब भर भर के रखे। मैं यहाँ शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रात को निकला था कि भाई अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा रात में ही, पर देख रहे हो ना इतने सारे शिव भक्त होने की वजह से भाई बाबा की देख रहे हो इतने सारे दीवाने मैंने पहली बार देखे, मतलब भाई बाबा की दीवाने पूरी दुनिया हो रखी है। और अभी अगर आप मैप में करोगे भाई गूगल पे तो भाई पूरा हरिद्वार से दिल्ली तक रास्ते में ना एकदम तुम्हें उधर रेड रेड लाल लाल से दिखाई देगा, जिसका कारण है कि भाई पूरे रोडों पर ना जाम लगा हुआ है दोनों तरफ से। अच्छा हुआ शायद गवर्नमेंट ने भाई कुछ दिमाग लगाया, फिर हो सकता है आज ऐसा होगा कि तुम कि भाई बस आज हरिद्वार से निकल के जो भी मतलब डाक जो भी कांवर ले गए होंगे हरिद्वार में रुकेंगे कुछ दिन, फिर वहाँ से भी हरिद्वार से वापस दिल्ली को और प्रस्थान कर चुके हैं। इसके वजह से भाई साहब बहुत ही खतरनाक बल्ले जाम हो रखा है। पीछे से मैं अभी इधर से निकल के इस शॉर्टकट लेके अंदर जाके मैंने मैप पे देखा है और आगे जाकर रेल की पटरी से बाद फिर से शायद रेल की पटरी के साथ साथ में रोड जाता है जो सीधे आगे तक निकलता है। मुझे नहीं पता वो कहाँ तक ले जाएगा, पर देखो यार दिन होने वाले, धूप निकलेगी तो हालत ख़राब हो जाएगी, दिन तो हो ही गए भाई, ये देखो अंधेरा तो बचा ही नहीं। अब देखते हैं आगे जाके कि क्या होता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट जगह पे। तो लो भाई साहब यहाँ पर भी काम हो गया, यहाँ भी जब आ गया रेल फाटक, अब ट्रेन आएगी। अरे यार गुड यार।